नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है NCERT के इस लाइव इंटरैक्टिव सेशन में। आप हमें देख रहे हैं ई विद्या चैनल नंबर 10 के माध्यम से। मैं सृजन राजपूत एक बार फिर आप सभी का स्वागत करना चाहूँगी। कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए ये खास सत्र रहेगा विज्ञान का, जिसमें हमारा आज का टॉपिक रहेगा कार्बन एंड इट्स एलिमेंट। आप क्योंकि साइंस में 10th क्लास में हैं और इस चैप्टर से आप पहले भी जो है बहुत सी जानकारी पिछली क्लासों में भी जान चुके होंगे। क्या हमने इसमें ऑलरेडी पढ़ लिया है और आगे हम क्या पढ़ेंगे, ये सब आपको इस सत्र के दौरान बताया जाएगा। आपके मन में अगर इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप बेझिझक हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, ये है 8800440559, या फिर आप हमें मेल लिख सकते हैं details.class10@cierty.nic.in पर। तो अपने आप में साइंस का जब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बन एंड इट्स एलिमेंट, तो हमारे साथ एक्सपर्ट भी कुछ खास है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर सुधांशु शर्मा। सर रिसर्च स्कॉलर हैं सेंटर फॉर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जोधपुर से। सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के सत्र में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस सत्र में बुलाया जी। और आज हम लोगों का ये टॉपिक है कार्बन एंड कंपाउंड, उसी पर हम लोगों का डिस्कशन जो है बेस्ड रहेगा जी। और कार्बन क्यों हम लोगों के लिए जरूरी है, क्यों हम इसकी स्टडी करते हैं, इसके इम्पोर्टेंस को जो है हम लोग यहाँ पर आज इस कार्यक्रम के माध्यम से देखेंगे। जी तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी जैसे टेबल है हमारी जी, या जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, एनिमल्स हैं, उन सारे लोगों का कंपोजिशन जो है कार्बन से ही है। यानी कि कार्बन रिप्रेजेंट करता है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। और जब हम आगे देखेंगे अभी आने वाली स्लाइड्स में कि कैसे जो है कार्बन इम्पोर्टेंट हमारे लिए, कार्बन होता क्या है, ठीक है, जी, हमें पता तो चलेगा। सर आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस टॉपिक की शुरुआत करने हम जा रहे हैं आज इस सत्र के माध्यम से, कि कार्बन एंड इट्स एलिमेंट, हम डेफिनेटली साइंस में इस टॉपिक को पहले भी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, वो हमने क्या पढ़ा आप उसको एक रिवीजन बेसिस पर बच्चों के लिए बताएं, और हम आगे इसमें न्यूली क्या इंक्लूड हुआ है, क्योंकि बच्चों के बिल्कुल अब 10th के एग्जाम्स आने को हैं, तो परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कौन से प्रश्नों को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा सकता है, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। कार्बन में जो मेन चीजें हैं हमारी वो वैलेंसी से रिलेटेड चीजें हैं, जिनको हम आगे देखेंगे। एक दो टॉपिक्स होमोलॉगस सीरीज की हैं, होमोलॉगस सीरीज के अलावा आइसोमेरिज्म की जो है बातें जो कार्बन की हैं वो इम्पोर्टेंट है, और सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कौन से होते हैं, उनको भी जो हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो किसी को छोड़ने नहीं चाहिए कार्बन के बारे में, ठीक है। और कार्बन के बेसिक कैरेक्टर क्या है, उनकी वैलेंसीज क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, फिजिकल अपीयरेंस कैसे हैं, आइसोटोप्स क्या है, ये बेसिक क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप में जो है कभी कभी पूछ लेते हैं। तो कार्बन सर, होता क्या है, अब इस पर चर्चा करेंगे। कार्बन होता क्या है, व्हाट इज कार्बन। कार्बन सबसे पहले क्या है, कार्बन नॉन मेटेलिक केमिकल एलिमेंट है, ग्रुप 14 का एलिमेंट है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 14 में मिलेगा, जिसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। और एटॉमिक नंबर जब 6 होता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब करेंगे हम लोग, तो दो इलेक्ट्रॉन जो है फर्स्ट ऑर्बिटल में और बाकी 4 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिटल में ऑर्बिट में हमारे पास होंगे, ठीक है। और 6 एटॉमिक नंबर होने का मतलब ये भी है कि कार्बन पास 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिस्पेक्टिवली इसमें जो है 6 न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को मिला के हमारा मास नंबर बनता है, तभी हमने लिखा है कि मास नंबर इसका 12 है और एटॉमिक नंबर इसका 6 है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने बात करी अभी 2 और 4 है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, इसलिए इसको जो है टेट्रावेलेंट भी बोलते हैं, कार्बन इज ऑफ टेट्रावेलेंट नेचर। अगली स्लाइड्स में जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि कैसे जो है कार्बन क्यों जो है इम्पोर्टेंट है, क्या जो है उसका इम्पोर्टेंस है। तो कार्बन जो है हमारा अर्थ क्रस्ट में कितना है, 0.02% है, लेकिन फिर भी बेसिस ऑफ लाइफ है पृथ्वी पर। हाँ, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स इज 0.02%, एटमॉस्फेयर में कितना है 0.03%, एटमॉस्फेयर में जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में है, CO2 के फॉर्म में, बाकी और जो जी
आप सभी हमसे जुड़े हुए हैं ई विद्या चैनल नंबर 10 के माध्यम से, और साइंस के इस चैप्टर में आज हम पढ़ रहे हैं कार्बन एंड इट्स एलिमेंट। तो अपने आप में जैसे कि हमने जाना कार्बन की कुछ सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी जो है इस चैप्टर को जाना है, लेकिन फर्दर अब क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें अपनी परीक्षा की दृष्टि से भी इस विषय को तैयार करना है, तो ऐसे में इम्पॉर्टेंट है कि हम जाने कि आगे क्या क्या जुड़ेगा। और जब हम फर्दर अगर आप आगे चुनते हैं साइंस स्ट्रीम की ओर जाना, तब भी आप जब कार्बन और इसके एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज़ की और व्याख्या आपके लिए प्रस्तुत की जाएगी। तो यहाँ भी हमने जो प्रस्तुत की है आपके सामने सत्र, तो इसमें हम बात कर ही रहे हैं कार्बन एंड इट्स एलिमेंट के बारे में। तो जैसे सर ने बताया है कि इसकी एक प्रॉपर्टीज़ है कि इसमें जो इसकी संख्या बनती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसके कितने प्रोटॉन्स हैं, उसके हिसाब से उसको किन किन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। आगे इसके इम्पॉर्टेंस के बारे में भी हमने हमारे एक्सपर्ट्स के साथ जानना शुरू किया है, और देखते हैं आगे क्या खास है अब हमारे पास इस सत्र में इस विषय से जुड़ा जानने के लिए, क्योंकि आप हमें ई विद्या चैनल नंबर 10 के माध्यम से देख रहे हैं और टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है कि आपके मन में कुछ प्रश्न भी ज़रूर उठ रहे होंगे। तो मैं चाहूँगी बेझिझक आप अपने प्रश्नों के माध्यम से हमसे जुड़ें। तो हमारे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8800440559 पर, या फिर आप हमें मेल भी लिख सकते हैं dth.class10@cert.nic.in पर। आप जानते हैं कि सभी सत्रों के दौरान हम आपको ये जानकारी देते हैं, क्योंकि हमारे सभी सत्र लाइव हैं और लाइव सत्रों की खास बात यही होती है कि आपके मन के प्रश्नों का सीधा सीधा जवाब आप इन सत्रों के माध्यम से जो है जान सकते हैं। क्योंकि हमारे सभी सत्र लाइव हैं तो आपको बताना चाहूँगी 2:30 पर भी हम आपके लिए एक और लाइव सत्र लेकर आएंगे। ये कक्षा 10 के बच्चों के लिए ही सत्र होगा और सत्र रहेगा उर्दू का, जिसमें विषय है कहानी भोला की। तो उर्दू भाषा में इस विषय को हम थोड़ी देर में जानेंगे, लेकिन फिलहाल इस विषय को अब जानना शुरू करते हैं कार्बन एंड इट्स एलिमेंट। जी सर प्लीज ओवर टू यू। मैम आवाज आ रही मेरी? जी आपको? सर हम आपको सुन पा रहे हैं, आप विषय से संबंधित जानकारी दें। सॉरी मैम कुछ टेक्निकल ग्लिच लग रहा है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही मुझ तक। सर हम आपको सुन पा रहे हैं और आपसे विषय से संबंधित आगे जानकारी चाहेंगे, व्हाई इज कार्बन इंपॉर्टेंट। आप सभी हमसे जुड़े मेरी हुए आवाज हैं। आ पा रही है अब तक? जी सर मैं आपको सुन पा रही हूँ, आप विषय से संबंधित हमें आगे बता तो सकते हैं। ये जो अभी हम कार्बन के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि इट कैन फॉर्म ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, और बहुत सारे जो है कार्बन कंपाउंड जो हमें नोन है या अननोन है, और ये जो है आप सभी हमसे जुड़े हुए हैं ई विद्या चैनल नंबर 10 के माध्यम से। आपको बता दूं 2:30 पर हम एक और लाइव सत्र लेकर आपके साथ जुड़ेंगे। इस सत्र में उर्दू का विषय चुना है आपके लिए हमने आज कक्षा 10 के बच्चों के लिए कहानी भोला। बॉन्डिंग इन कार्बन। जी तो सर से हम विषय जान रहे हैं आज कार्बन एंड इट्स एलिमेंट, तो सर आगे जानना चाहेंगे आपसे। आपको बता दूं कि 3 बजे जो हमारा सत्र रहेगा इसका विषय है सोशल साइंस और टॉपिक रहेगा फिजिकल एजुकेशन। इस विषय के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि क्यों फिजिकल एजुकेशन ज़रूरी है, और अपने आप में फिजिकल एजुकेशन का आगे चल के एक शाखा निकल कर आती है जहां पर भी ये ज्ञान काम आता है। और 3:30 पर जो हमारा लाइव सत्र आपके साथ जुड़ेगा वहां आपके लिए विषय है कक्षा 9 के बच्चों के लिए मैथ्स और ट्राइंगल पार्ट 3 पढ़ेंगे, क्योंकि ट्राइंगल्स में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 की जानकारी ऑलरेडी ले चुके हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इन विषयों को भी आप जान लें और हमसे ज़रूर जुड़ें, क्योंकि हमारे सभी लाइव सत्र बहुत खास हैं और हम चाहते हैं कि आप जिन भी माध्यमों से हमसे जुड़ें वहाँ पर अपनी प्रतिक्रियाएँ ज़रूर दें। आप जब भी अपना फीडबैक हम तक पहुँचाते हैं तो ये हमें और बेहतर
बेहतर बनाने के लिए काम करता है। हम चाहेंगे कि आप अपने हमारे सत्रों से जुड़ी ये जानकारी भी हमें देते रहें कि हमें सत्रों में और क्या क्या बदलाव करने की ज़रूरत है जिससे ये सत्र और बेहतरीन हो जाए। ये सभी लाइव इंटरेक्टिव फ़ोन इन प्रोग्राम्स हैं, तो आपके फ़ोन्स का भी हम स्वागत करते हैं। फ़ोन के माध्यम से भी आपकी सभी प्रतिक्रियाएँ, आपके सभी प्रश्न हम तक पहुँचे, ये हम ज़रूर चाहेंगे। फ़ोन नंबर आप सभी के लिए एक बार पुनः दोहराना चाहूँगी, ये फ़ोन नंबर है 8800440559। तो आपसे चाहेंगे कि आप फ़ोन के ज़रिए हमसे ज़रूर जुड़ें और हम इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। हमने आज जिस साइंस का विषय चुना है आपके लिए, कार्बन एंड इट्स एलिमेंट, सर आपसे आगे विषय से संबंधित जानकारी चाहेंगे। जी, तो आप सभी हमसे जुड़े हुए हैं और विषय अपने आप में इतना खास है, आगे हम जानने जा रहे हैं इस विषय में, बॉन्डिंग इन कार्बन, द कॉन्वीनियंट बॉन्ड, तो इस कॉन्वेलेंट बॉन्ड। तो जब हम इस बारे में जानते हैं तब हम जानते हैं इट्स वैलेंसी इज 4 एंड इट कैन फ्रॉम कंपाउंडेड ओनली बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। एंड कॉन्वेलेंट बेल्ट के बॉन्ड के बारे में जब हम जानते हैं तो द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन इज 2। अब सर आपसे जानना चाहेंगे कि ये विषय जब इतना खास है तो आप इसकी व्याख्या हमारे बच्चों के लिए कृपया प्रस्तुत करें। जी मैम, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जैसे हमने बोला कि एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4 होता है, तो इट रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब अटेन करना ही करना, तभी स्टेबल कंपाउंड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। जैसे हम लोग मीथेन देखेंगे, मीथेन जब देखेंगे तो वो बोलते हैं क्या, CH4, यानी कि 4 हाइड्रोजन जो है बॉन्डेड है, यानी कि कार्बन का इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो गया। कोवेलेंट नेचर क्यों, क्योंकि इसमें बॉन्ड शेयरिंग थी। हाँ, कार्बन क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन जो है इट कुड नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन फॉर्मिंग C4- कैटायन। क्यों, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कार्बन के न्यूक्लियस के लिए विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, बहुत भारी भरकम हो जाएगा जिसकी वजह से C4- कैटायन नहीं बन पाता है। और कार्बन ओवरकम दिस प्रॉब्लम बाय शेयरिंग इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स ऑफ द कार्बन और विद एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन। तो कार्बन जो है अपनी ये समस्या का निदान कैसे करता, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना के करता, ये शेयर कर लेता अपना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, हाइड्रोजन ने इसे शेयर किया और कार्बन ने जो है हाइड्रोजन शेयर किया, जिससे उसके जो है अपने पूरा इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो जाता है। इसीलिए जो शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बनते हैं, हाँ, उनको क्या बोलते हैं, हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम जो है देखेंगे क्या कि नेक्स्ट स्लाइड में टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कितने टाइप्स के जो है कोवेलेंट बॉन्ड है हमारे, कौन कौन से टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल, डबल, ट्रिपल। ठीक है, अब सिंगल बॉन्ड्स कैसे होते हैं, देखो जैसे ये हमने यहाँ पे वाटर का स्ट्रक्चर दिखाया, ऑक्सीजन क्या है, एक बॉन्ड जो है हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, इधर दूसरा भी हाइड्रोजन एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, शेयरिंग कर रहा है एक एक इलेक्ट्रॉन की, तो ये क्या हमारा सिंगल बॉन्ड हो गया। अभी डबल बॉन्ड में ये देखेंगे कि दो दो इलेक्ट्रॉन जो है दोनों इसके शेयर हो रहे हैं, क्या बना रहे हैं, CO2 को देखिए स्ट्रक्चर, तो डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पर और दो शेयरिंग दिख रही है। ट्रिपल बॉन्ड में N2 का स्ट्रक्चर जैसे हम लोग देख लें नाइट्रोजन का, ठीक है, तो तीन तीन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर जो है शेयर हो रहे हैं। तो तीन टाइप्स के हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। और कार्बन की जो है अलग अलग नेचर जो है, कब सिंगल बॉन्ड बनाता है, कब डबल बॉन्ड बनाता है, कब ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, ये भी हम जो है अगली स्लाइड्स में देखेंगे। और इसके बाद जब नेक्स्ट स्लाइड में हम जाएंगे तो हम पता करेंगे कि वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन कितना जो है वर्सटाइल है, कितने तरह से जो है वो अपना काम करता है, वो कैटेनेशन भी करता, मतलब कार्बन कार्बन से जुड़ के और कार्बन कंपाउंड बनाता, पॉलीमराइजेशन करता। हमारे पास जो पॉलीथीन होती है आज के हमारे घर में, जो प्लास्टिक के पाइप्स लगे होते हैं PVC, वो किसका रिजल्ट है, पॉलीमराइजेशन का है। आइसोमेरिज्म, हम शुगर के बारे में जानते हैं, शुगर, लैक्टो, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ये सब क्या है, आइसोमर्स हैं एक दूसरे के। हाँ, तो कार्बन का इतना वर्सटाइल नेचर है जो है, और जिसकी वजह से कार्बन बहुत ज्यादा जो है परसिस्टेंट हो जाता है, कि बहुत फैसिनेटिंग जो है एलिमेंट हो जाता है अपने आप में, कि इतना ज्यादा जो है ये वो दिखा रहा है कि क्या क्या चीजें ये कर ले रहा है आपस में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में जब हम जाएंगे तो देखेंगे
नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड में जो है हम पाएंगे कि पॉलीमराइजेशन के जो है बारे में, पॉलीमराइजेशन क्या हो रहा है, कार्बन कंपाउंड आपस में जुड़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे मोनोमर है कार्बन का, इथीन है, और ये इथीन इथीन जो है यूनिट्स जुड़ गई आपस में तो ये पॉलीथीन बन जा रही है, यानी यही एक प्रक्रिया है पॉलीमराइजेशन की। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम लोग आइसोमेरिज्म के बारे में। आइसोमेरिज्म क्या होता है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, मतलब उनके स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट हो जाते हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है सेम रहता है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोमर्स बोलते हैं। अब यहाँ पर जैसे एक एग्जाम्पल देख रहे हैं हम लोग पेंटेन का, पेंटेन का फॉर्मूला क्या है, C4H12, और पेंटेन कितनी तरह से जो है जुड़ा हुआ है, ये सब इसके आइसोमर्स हैं, यानी कि हैं सारे ही जो है कोई ना कहीं पेंटेन ही, मतलब नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ हाइड्रोजन में सेम है, लेकिन पेंटेन के हम क्या यहाँ पे देख पा रहे हैं, आइसोमर्स देख पा रहे हैं। जी नेक्स्ट स्लाइड, अब जब बात करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन की, कार्बन कब सैचुरेटेड होगा कब अनसैचुरेटेड होगा उसके बारे में जानते हैं। मॉलिक्यूल्स इन विच ईच कार्बन एटम फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स विद अदर एटम, टिपिकली हाइड्रोजन एटम्स, ऐसे जो है मॉलिक्यूल्स जो सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं उनको और ज्यादा जो है उसमें एडिशन नहीं कर सकते, उनको क्या हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है उनके, एल्केन्स जैसे कि जी मीथेन है हमारी, इथेन है, प्रोपेन है, लेकिन ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एक या एक से ज्यादा जो है मल्टीपल बॉन्ड होते हैं, यानी डबल बॉन्ड वाले जो है कंपाउंड्स, ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स, वो अनसेचुरेटेड होते हैं। क्यों, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होके और भी कुछ एडिशन उसमें हो सकता है, ठीक है। और टू मेन टाइप्स ऑफ अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या है हमारे, एल्कीन्स हैं, एल्काइन्स हैं, और एल्कीन्स हैव वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड सच एज इथीन C2H4, इसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमारा वो बनता है स्ट्रक्चर, एंड प्रोपीन CH3 C3H6, यानी कि क्या बनेगा हमारा जब इसको स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग तो इसमें भी आपको डबल बॉन्ड मिलेगा। एल्काइन्स क्या है, एल्काइन्स है वन और मोर देन वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड सच एज इथाइन, इथाइन में CH CH3CH, हाँ प्रोपाइन, प्रोपाइन में भी एक ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा हमको, यानी कि एल्कीन्स और एल्काइन्स जो हमारे दो मेन टाइप ऑफ अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड, हेट्रो एटम। अब हेट्रो एटम क्या होता है, कभी कभी कार्बन से जो है और भी अलग अलग एटम्स जो है आके जुड़ते हैं तो उनको हम लोग जो है हेट्रो एटम बोलते हैं, यानी कि व्हेन एन एटम अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल इज रेफर्ड टू एज हेट्रो एटम। जैसे एल्डिहाइड देख लें हम लोग, या कार्बोक्सिलिक एसिड देख लें, या कीटोन देख लें, तो उसमें हमारे पास जो है ऑक्सीजन भी जुड़ जा रहा है, यानी कि एक हेट्रो एटम जुड़ जा रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने में। या साइनाइड जो है देख लें तो उसमें CN ग्रुप होता है, उसमें भी हेट्रो एटम क्या है, नाइट्रोजन है। हाँ हेलो एल्केन्स जो है बच्चे आगे चल के पढ़ेंगे, हेलो एल्केन्स, हेलो मतलब क्या, क्लोरो कंपाउंड, ब्रोमो कंपाउंड, आयोडो कंपाउंड, यानी कि वो ऐसे एटम जो है जुड़ जा रहे हैं जिनसे जो है हमें कार्बन से डिस्टिंक्ट है, ठीक है, और उनको क्या बोलते हैं हम लोग, हेट्रो एटम्स आर ज्वाइनिंग इन द कार्बन टू फॉर्म एनी अदर कंपाउंड, जी दीज हेट्रो एटम्स एंड द ग्रुप कंटेनिंग दीज कन्फर स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड्स रिगार्डलेस ऑफ लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन चेन एंड हेंस आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स। इनकी जो है एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है जो एक्सपीट करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जी जैसे एल्कोहल का OH है फंक्शनल ग्रुप, एल्डिहाइड का CHO है फंक्शनल ग्रुप, कीटोन का CO है फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड का COOH है फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप से भी हम कई जो है कंपाउंड्स को पहचान करते हैं कि कैसा कार्बनिक कंपाउंड है ये। नेक्स्ट स्लाइड, हाँ होमोलॉगस सीरीज। अब होमोलॉगस सीरीज जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे ये हमें मिस नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं मिस करना चाहिए, होमोलॉगस सीरीज से हमारी कार्बन की अंडरस्टैंडिंग जो बढ़ती है। होता क्या है, होमोलॉगस सीरीज, सीरीज ऑफ कंपाउंड्स इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। अब यानी कि दिस रिजल्ट्स इन कंपाउंड हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एक्सपीटिंग अ ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में चेंज हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट में चेंज हो जाएगा, सॉलिबिलिटी में चेंज हो जाएगा एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इंक्रीजेस, क्योंकि उसमें कार्बन एटम बढ़ते रहते हैं जो है। हाँ जैसे एग्जाम्पल की बात करें एल्केन सीरीज को ले लें होमोलॉगस सीरीज में, अब ईच मेंबर हैज जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2, वेयर n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द ईच मॉलिक्यूल। अब मीथेन बना हमारे पास CH4 है, ठीक है,
इथेन बना CH3 CH3, फिर प्रोपेन बन गया CH3 CH2 CH3, इसी तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इसमें हम देख क्या पा रहे हैं, वेयर ईच मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज डिफर फ्रॉम द नेक्स्ट बाय अ CH2 ग्रुप। बीच में एक CH2 ग्रुप ऐड होता जा रहा, सिमिलर है हाँ, लेकिन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्केन सीरीज जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2 है हाँ। तो ये क्या है, हमारी होमोलोगस सीरीज की स्टडी है, एल्केन सीरीज, एल्कीन सीरीज, एल्काइन सीरीज। नेक्स्ट स्लाइड, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अच्छा, कार्बन कंपाउंड्स इतने सारे हैं कि उनका नोमेनक्लेचर भी जरूरी, नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण, जैसे हमारा नाम सुधांशु है, आपका नाम मैम सृजन है, इसी तरह सबके अपने अपने डिस्टिंक्ट नाम है, जिससे हम उनकी पहचान करते हैं, आइडेंटिटी है, यानी कि किसी कंपाउंड की आइडेंटिटी क्या होगी वो किससे डिसाइड होता है, नोमेनक्लेचर से डिसाइड होता है। और नोमेनक्लेचर के नॉर्म्स कौन बनाता है, आईयूपीएसी बनाता है। आईयूपीएसी क्या है, हमारी इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये जो नॉर्म सेट करती है कि इस तरह से नेम करना है हमें कंपाउंड्स को, वही जो है हमारे स्टैंडर्ड नॉर्म्स होते हैं। जैसे नेम ऑफ द कंपाउंड्स इन अ होमोलोगस सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ बेसिक कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय प्रीफिक्स, कभी कभी प्रीफिक्स लगा देते हैं, कभी कभी सफिक्स लगा देते हैं, ठीक है। इंडिकेटिंग द नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे हम बोलते हैं कि साइक्लोहेक्सेन, यानी कि साइक्लिक हेक्सेन है नेचर हाँ, उसमें हमने प्रीफिक्स लगा दिया साइक्लो, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड्स को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसी तरह से अलग अलग जो फंक्शनल ग्रुप्स अभी हमने देखे थे, कुछ कुछ जो है नाम जब प्रीफिक्स में लगाते हैं तो वैसा नाम दे दिया तो वो नोमेनक्लेचर हो गया, कभी कभी सफिक्स में लगाते हैं तो नोमेनक्लेचर उस हिसाब से होता है, जैसे जी ब्यूट वन हाँ, ऑल क्या लगा, ये ऑल बाद में लगा जो है हमारा, यानी कि ये सफिक्स में लग गया ठीक है। हाँ। तो इस तरह से हमें नॉमिनक्लेचर के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट स्लाइड, अब जितने भी कार्बन कंपाउंड डिराइव होते हैं फ्रॉम आईयूपीएसी नॉमिनक्लेचर, एक ये अच्छी सी टेबल है जिसमें हम देख पा रहे हैं कि मेन चेन है, मेन चेन से नेमिंग है, फिर कार्बन एटम्स हैं हाँ, और कार्बन एटम्स कैसे जो है मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, जिनके ये सफिक्सेस हैं, जैसे मेथ एन मीथेन बन गया, एथ एन इथेन हो गया, प्रोप एन प्रोपेन हो गया, इसी तरह से जो है ये प्रीफिक्सेस हैं जो बता रहे हैं हमें कि किस नेचर का जो है वो कंपाउंड है, कितने कार्बन एटम्स होंगे उसमें। फिर कुछ कुछ स्पेशल बेंजीन्स होते हैं, जैसे बेंजीन है, टॉलिन है, फेनॉल है हाँ, साइक्लो का भी यूज करेंगे जब कोई उसमें रिंग आ जाएगी, कोई डबल बॉन्ड आ गया तो उसका जो है सफिक्स चेंज हो जाएगा, एन इन आइन ऐसे जो है हो जाएगा। और कभी कभी दो से ज्यादा जो है कंपाउंड, तो डाई ट्राई टेट्रा, इस तरह से हम लोग नोमेनक्लेचर यूज करते हैं हाँ। तो जी जैसे जैसे जो कंपाउंड होते हैं वैसा वैसा हम लोग नोमेनक्लेचर उसका करते हैं। अगली स्लाइड, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है कार्बन कंपाउंड के। सबसे नंबर वन है कंबसन हाँ, कार्बन इन ऑल इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म बर्न इन ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड विद रिलीज ऑफ हीट एंड लाइट। कैसा भी जो है कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल के क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और क्या रिलीज करेगा, हीट और लाइट भी कभी कभी ठीक है। यानी कि कोई भी कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर जलेगा जिसमें कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके वो क्या दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको देना ही देना है जी हाँ। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल जनरली गिव क्लीन फ्लेम, जैसे हमारे यहाँ एलपीजी होती है घर की, उसमें फ्लेम कैसी होती है, ब्लू होती है। जब बच्चे ये जान लें कि जो ब्लू फ्लेम होती है वो क्लीनेस्ट, यानी कि कंबसन उसका कंप्लीट हो रहा, तभी ब्लू फ्लेम आ रही, अगर ठीक है। रेडिश फ्लेम आ रही है या ऑरेंजिश फ्लेम आ रही, यानी कि कंबसन इनकम्प्लीट हो रहा है और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रहा है, वो थोड़ा नेचर के लिए हार्मफुल भी होती है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं एलपीजी इज द क्लीनेस्ट फ्यूल जी अवेलेबल फॉर कुकिंग पर्पसेस। और जैसे हमने बताया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विल गिव अ क्लीन फ्लेम व्हाइल अनसैचुरेटेड विल गिव येलो फ्लेम। अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है जल रहे हैं तो येलो फ्लेम आएगी। फिर उसके बाद क्या प्रॉपर्टी है कार्बन की, ऑक्सीडेशन की प्रॉपर्टी है हाँ। कार्बन जो है कंपाउंड को इजिली ऑक्सीडाइज कर देता है कंबसन, कार्बन ऑक्सीडाइज होके क्या बन रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था। टू कंप्लीट कंबसन सम सब्सटेंसेस आर केपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर, दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। नेक्स्ट स्लाइड, एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कार्बन का। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकिल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जितने भी जो है जिनमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे कार्बन कंपाउंड जो है
हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं, कभी कभी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट में, कभी कभी विदाउट कैटलिस्ट भी, और एडिशन रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर फेयरली अनरिएक्टिव एंड आर इनर्ट इन प्रेजेंस ऑफ मोस्ट रिएजेंट्स। जो जी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो क्या होते हैं, नॉर्मली जो है अनरिएक्टिव होते हैं नॉर्मली, लेकिन कभी कभी रेजेंट का यूज करके वो कंपाउंड्स हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरीन इज एडेड टू हाइड्रोकार्बन इन अ वेरी फास्ट रिएक्शन। जी सनलाइट के प्रेजेंस में अगर क्लोरीन ऐड कर दो किसी हाइड्रोकार्बन में तो बहुत फास्ट रिएक्शन हो गया, और क्लोरीन कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन एटम वन बाई वन, और वन बाई वन क्या क्लोरीन रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन एटम को। दिस इज कॉल्ड ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज वन टाइप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस अनदर। नेक्स्ट ओके स्लाइड। तो यही सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। अब एथेनॉल क्या है, हमारा कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल। जी एल्कोहल जो हमारा होता है उसमें कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन किसका होता है, एथेनॉल का, इसीलिए बोल रहे हैं कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल एंड इज एक्टिव जी इंग्रेडिएंट टू ऑल एल्कोहलिक ड्रिंक्स। लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर पे गुड सॉल्वेंट होता है, दस यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप एंड मेनी जी टॉनिक्स। डाइल्यूट एथेनॉल कॉजेज ड्रंकनेस। अगर डाइल्यूट एथेनॉल कोई कंज्यूम कर ले तो उसको लगेगा कि वो चक्कर सा आ रहा है, डिजीनेस से लगेगा। जी लैब्स में फॉर्मल नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जो मार्केट में अवेलेबल होता है, हालांकि वो अच्छी बात नहीं है कंज्यूम करना, वो हार्मफुल होता है बॉडी के लिए जी और करना भी नहीं चाहिए लोगों को। हाँ, लेकिन उसको तो अगर कोई कंज्यूम करता है तो उसमें डिजीनेस आएगी, जी और सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस इवन दो इट इज कंडेम्ड, सर, जैसे मैं कि इस हमने सत्र के बताया। लिए आपसे यही धन्यवाद कहते हुए सत्र की समाप्ति चाहूंगी, क्योंकि अपने आप में विषय इतना महत्वपूर्ण है और विस्तृत जानकारी आपसे इतनी मिल पाई, इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। सर सुधांशु शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं IIT जोधपुर से। सर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आज के सत्र के लिए। तो बच्चों आप सब भी हमसे यूं ही जुड़े रहें, थोड़ी ही देर में एक और लाइव सत्र लेकर हम आपके साथ दोबारा जुड़ते हैं। कक्षा 10 के बच्चों के लिए उर्दू का ये सत्र रहेगा जिसमें हम पढ़ेंगे कहानी भोला। यूं ही CIIT NCERT के सभी लाइव सत्र देखते रहें। आपका दिन शुभ हो। मैं सृजन राजपूत आप सभी से चाहूंगी अनुमति। नमस्कार।